कौन हो तुम? हम हाँ हाँ तुम, कुछ नाम तो होगा, पहले कभी तो नहीं देखा तुमको यहाँ पर। वैष्णवी, ये पर्वत है त्रिकुट पर्वत। त्रिकुटा? हाँ त्रिकुटा नाम है हमारा। देखो कि तब ना जब हम यहाँ के होंगे। तो कहाँ के हो? हम त्रिकुट के समीप के हैं। ये देखिए क्या लेकर आया। इतने सारे लड्डू कहाँ से लाए? अरे रुक जा रुक जा, थका दिया। अरे चोर कहीं का, मेरे लड्डू दे दे। अरे स्वयं के लिए नहीं, माता रानी के भोग के लिए लाया था। अच्छा, माता रानी के भोग के लिए लाया था। पहले तो चोरी करता है फिर झूठ बोलता है। अरे हमारे सामने, मैंने अपने स्वयं की आंखों से देखा, तू लड्डू खा रहा था। नहीं नहीं खाए मैंने, एक लड्डू को हाथ भी नहीं लगाया, केवल माता रानी के भोग के लिए लाया था। अच्छा, यानी कि हम झूठ बोल रहे हैं, पंडित लोक मत झूठ बोल रहे हैं। है? तेरी तो मैं चमड़ी उधेड़ लूंगा, समझ गया कि नहीं? है? हाँ नहीं तो रे। पंडित जी, माना उससे भूल हो गई, लड्डू मांग कर लाने चाहिए थे, भूख लगी होगी तो खा लिया होगा उसने। अरे लेकिन मैंने नहीं खाया, सच्ची मैंने एक भी लड्डू नहीं खाया। खा लीजिए वैष्णवी, बाहर इतने स्वादिष्ट लड्डू कदाचित नहीं मिलेंगे। परंतु उसकी मंशा चोरी करने की या लड्डू खुद खाने की नहीं थी, और वैसे भी आप तो हमारे गांव की स्थिति से परिचित हैं, तो ऐसे में आपका कर्तव्य नहीं बनता गांव के बच्चों की भूख मिटाने का? वाह रे भारती वाह वाह, क्या बात कही है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने पूरे गांव का ठेका लेके रखा है, जब स्वयं राजा को इस विपत्ति की चिंता नहीं है तो मैं चिंता क्यों करूं भला? बताओ, कल को इस संपूर्ण गांव में अनाज समाप्त हो जाएगा तो राजा हमें सहायता करने आएंगे हैं? हाँ आएंगे। क्या कहा? महाराज आएंगे सहायता करने। क्या ये सूचना राजमहल से मिली है? हाँ वहीं से तो मिलेगी ना सूचना। महाराज रत्नाकर कल सूर्यास्त तक भोजन भेज देंगे। अभी अभी तो ये पेड़ से गिरी थी और अब क्या नई कहानी बना रही है। ये सूचना तो देने हम आए थे यहाँ। अर्थात तुम्हें ये सूचना महल से मिली है और तुम यहाँ पर ये लोगों को बताने के लिए आई हो कि कल सूर्यास्त तक राजा रत्नाकर हम गाँव वालों के लिए भोजन सामग्री भिजवाएंगे। चलो विश्वास कर लिया, मान लिया, परंतु किंतु हमें ये बताओ कि तुम हो कौन? त्रिकुट पर्वत से आई है। त्रिकुट पर्वत? त्रिकुट 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 पर्वत तो महल से कोसों दूर है, इसे सूचना कैसे मिली? अच्छा हमें ये बताओ कि त्रिकुट पर्वतवासी इतने धनवान कब से हो गए कि अपनी पुत्रियों को सोने की पायल पहनाने लगे हैं? हम कह रहे हैं कि उत्तर दो कि सोने की पायल तुम्हारे पास कहां से आई? मुझे पता है ये सोने की पायल नहीं है, खोटा है। अच्छा तुम्हें कैसे पता चला? पंडित जी तनिक ध्यान से देखिए, उसकी दुशाला फटी हुई है। जो माता पिता अपनी बच्ची को सोने की पायल पहना सकते हैं, वो माता पिता अपनी बच्ची को फटी हुई दुशाला क्यों उड़ाएंगे? चुप रहो।
पंडित जी शांत हो जाइए, हम जानते हैं संदेह करना आपका स्वभाव है, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि बच्ची झूठ बोल रही है। धन्यवाद त्रिकुटा। अच्छा, अरे यहाँ तो लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। महाराज भोजन सामग्री भेजेंगे। चलो चलो, तुम लोग भी अपने घर चलो। आज तुम हमारे साथ क्यों नहीं रुक जाती? त्रिकुट पर्वत दूर है, देर हो जाएगी। आज हमारी वैष्णवी का जन्मदिवस है, हमने सारे पकवान तुम्हारी पसंद के बनवाए हैं। नहीं, आज नहीं, माँ प्रतीक्षा कर रही हैं। हमारा जन्मदिवस है आज। सच? तब तो कल अवश्य आना, तुम्हें जन्मदिवस का उपहार देना है। उपहार? तब तो हम अवश्य आएंगे। चलो भारती। आई माँ। पायल रानी, आज तुमने मुझे समस्या में डाल दिया था। कितना अंधेरा है, रात के पहिए के चिन्ह भी नहीं दिख रहे। अब वापस कैसे जाएंगे? महल का मार्ग कौन सा है? कैसी माँ है आप? एक बच्चे का ध्यान नहीं रखा जाता उसे। बच्ची भूखी होगी, नींद कैसे आएगी उसे? हम जाकर देखते हैं उसे। इतना अंधकार यहाँ कैसे हो गया? महल में तो नहीं होता, तनिक भी प्रकाश नहीं है। प्रतीत होता है कि अब चंद्रदेव भी सो गए हैं। अब इतनी देर रात को कौन सहायता करेगा हमारी महल लौटने में? शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः।